फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान उत्पादन उत्पादक संघ के साथ में जुड़कर काम कर रही है। तो समुन्नति की अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे वो ये है, कैसे छोटे किसानों के लिए मार्केट को तैयार किया जाए, इस मुद्दे पे हम काम करते हैं। कैसे मार्केट को उनके पास लाया जाए, उनको नहीं, किसान को नहीं मार्केट भेजना है हमको, मार्केट को कैसे उनके पास लेके आए, उस पर हम काम करते हैं। इस तरह के काफी सारे नवाचार हैं सर जो यहाँ इन किसानों ने मिलकर किया है और इनकी कहानी, इनकी जुबानी हमने प्रयास किया है आप तक पहुंचाने की। तो मैं सर अब आपको आग्रह करता हूँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने भी ये सलाह दी कि आपके यहाँ पे जो रॉ मटेरियल ऐसा है जो आपको लगता है कि ये सस्ता है, नमस्ते, मेरा नाम राधा देवी है, मैं ग्राम आलमपुर से हूँ। मैं एक स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ। हमने अपने रोज़गार के तहत ये जैविक खाद बनाना प्रारंभ किया क्योंकि हम लोग पशुपालन करते थे तो गोबर आम था हमारे पास, लेकिन गोबर जब हम रूढ़ियों में डालते थे तो उसकी एक ट्रॉली की कीमत लगभग 600 रुपये होती थी। और जब हमने जैविक खाद बनाना शुरू किया, मैंने ये खेलियाँ बनवाई, उसके बाद जो भी मैं गोबर नीचे डालती थी, यहाँ गंदगी फैलती थी, एक तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरा, इस खेली में डाला थोड़े से केचुए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें गोबर डालना शुरू किया, ऊपर से केचुए डाल दिए और थोड़ा सा पानी का छिड़काव, इसमें नमी बरकरार रखी, तो वो 20 दिन में ऊपर की खाद जैसे तैयार हो जाती है। ऊपर की खाद जैसे तैयार हुई तो वो मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद वो नीचे वाले में नमी स्टार्ट हो जाती है। उसमें थोड़ा सा, जब केचुए हैं वो भी तो एक जीवी हैं, तो उनको थोड़ा सा पोषण मिले, उनकी प्रजनन शक्ति बढ़े, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा पाव भर बेसन, गुड़,
और थोड़ा सा उसमें छाछ मिक्स करके उसको डाल देते, तो उससे उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ती है और उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो वो जैसे जैसे उसको डिकम्पोज करते हुए नीचे तक जाते हैं, 45 दिन में ये पूरी खेली खाली हो जाती है। उसके बाद जो 650 रुपये की खाद बिक्री थी मेरी, आज वो मैं 5 रुपये छान कर और 4 रुपये किलो बिना छाने दे रही हूँ, जिससे मेरी आमदनी बढ़ी है। जो एक ट्रॉली खाद में 650 में दे रही थी, वही एक ट्रॉली खाद मेरी 10,000 के लगभग गई है। तो इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है और मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूँगी, जो आप घर में पशुपालन करते हो, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपने घर में थोड़ा सा जो आप नीचे फैला रहे हो उस गोबर को, रूढ़ी को फैला रहे हो, उसमें ना फैलाते हुए एक खेली बनवाए और उसमें आप अपनी गोबर डालें और साथ में केचुए डाल के, और आप उसे जैविक खाद तैयार करें जिसको आप एक अच्छे स्तर से बेच सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नाबार्ड द्वारा अलवर जिले में युवा जागृति संस्थान की मदद से ग्रामीण स्तर पर कई सारे कार्य हुए हैं। ग्रामीण स्तर में अलग अलग तरीके से किसानों के विकास के लिए, ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए और इम्प्लीमेंट हुए। तो युवा जागृति संस्थान द्वारा 300 से अधिक SHGs बन चुके हैं और इन SHGs को धीरे धीरे ग्रेजुएट करके उसका एक FPO बनाया गया, जो कि FPO स्वीकृत हुआ था। FPO यानी कि एक ऐसी कंपनी जो ग्रामीण स्तर पे किसानों द्वारा या महिलाओं द्वारा बनती है, जिनका एक उत्पाद होता है, उस उत्पाद को हम सही जगह सही मार्केट में बेच के निरंतर हम अपनी आय को बढ़ा सकें। ये कंपनी जो बांसूर में बनी है, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये एक युवा जागृति संस्थान द्वारा बनाई हुई कंपनी है। इस कंपनी में लगभग 400 से अधिक महिलाएँ हैं। ये महिलाएं निरंतर अपने उत्पाद को सही जगह बेच के और अपने खासकर आदानों को अपने सभी किसानों में देख के अलग अलग उत्पाद के माध्यम से अपनी आजीविका को बढ़ाती हैं और अपनी कंपनी की ग्रोथ कर रही हैं। इस कंपनी को बने अभी 2 साल ही हुए हैं और आगे का हमारा प्लान ये है कि ये कंपनी राष्ट्र स्तर पर अपने उत्पाद को अलग अलग जगह बेच सके और जो भी जो हमारे गाँव में बांसूर क्षेत्र में जो लोकल प्रोड्यूस है उसको अधिक से अधिक हम उसका प्रचार प्रसार करके उनको पूरे देश भर में बेच सकें उचित दाम पे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किसानों के विकास के लिए, तो किसानों के विकास के लिए बांसूर क्षेत्र में युवा जागृति संस्थान द्वारा हमने नाबार्ड ने किसान क्लब सैंक्शन किए थे। ये किसान क्लब जो थे वो अलग अलग क्षेत्र में अपने किसानों को अलग अलग ट्रेनिंग देना, प्रोग्रेस किसानों को उच्च तकनीक के बारे में बताना, तो ये काम बखूबी किया और कई सारे नवाचार किए, जैसे कि मशरूम उत्पादन, KVK की हेल्प भी काफ़ी इसमें मदद मिली है किसानों को। तो मशरूम कल्टीवेशन के साथ साथ में अगर हम देखें तो डेयरी के हाईटेक डेयरी और पोली हाउसेस वगैरह और ऑर्चर्ड कल्टीवेशन में अनार की खेती, तो ऐसे बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि क्षेत्र के विकास के लिए खासकर ग्रामीण स्तर में बखूबी काम किया है। तो मैं युवा जागृति संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ अपने हर कार्य के लिए।